शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। कोरोना महामारी के चलते नवी मुंबई में वाशी स्थित मनपा अस्पताल जब से कोविड अस्पताल में तब्दील हुआ है, तब से यहां कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है। दुर्भाग्य से यहां अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों तथा विविध छोटी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के परिजनों को मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की सलाह देकर पल्ला झाड़ने का काम प्रशासन की ओर से हो रहा है। सानपाड़ा के 15 वर्षीय पवन का भी मामला कुछ ऐसा ही था। किडनियों की बीमारी से जूझने वाले पवन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद डायलिसिस देने से साफ इनकार कर उसके परिवार को प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की सलाह मनपा हॉस्पिटल द्वारा दी गई। दुर्भाग्य से डायलिसिस न मिलने के कारण पवन की मौत हो गई और इन्हीं हालातों की गंभीरता को देख अब ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने मनपा आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल से पत्र लिखकर यह कहा कि सिडको एग्जीबिशन सेंटर में कोविड केयर सेंटर का काम पूरा होने के बाद वाशी स्थित मनपा कोविड अस्पताल को स्थलांतरित कर वहां फिर से अन्य बीमारियों से जुड़ी सेवा देने का काम शुरू किया जाए, ताकि भविष्य में और आने वाले मानसून के समय नवी मुंबईकरों को तकलीफों का सामना ना करना पड़ सके। गणेश नायक की इस मांग की ओर अब आयुक्त क्या भूमिका लेते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।